गरिमा श्रीवास्तव जो यानी कि प्रोफेसर है जब क्रोशिया गई थी अपने बायोलेट्रिक प्रोग्राम में शुरू में सब कुछ लगा कि शायद सब कुछ नॉर्मल है और जब सामने सब चीज़ें उनके सामने आने लगी तो शायद यही एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सामने आया होगा जो आपको वो डिस्टर्ब किया जिसने आपको उसमें पेन कोर्स को करने की जरूरत समझी नहीं लिखी मतलब यही पहला यही है कि ये बताइए कि आपने जब आप वहाँ पहुँची तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगा क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत रूसी पर्सन हूँ मैं खुद बहुत वॉर में रह चुकी हूँ सिविल कॉन्फ्लिक्ट में रह चुकी हूँ और आई हैव सीन सम ऑफ द वर्स्ट एट्रोसिटीज पॉसिबल और उसमें बोस्निया हर्सेगोविना क्रोएशिया क्योंकि मैंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया देखा था जब मैं मिडिल ईस्ट में रह रही थी और मैं रिपोर्टिंग के लिए अक्सर डिटेंशन कैंप्स में भी जाती थी तो आई हैव सीन द एट्रोसिटी विच टुक प्लेस इन दोज डिटेंशन कैंप्स आप बताइए आप पहले इम्प्रेशन क्या आया था कि आपको लगा कि नहीं आपको इससे बियॉन्ड जानना नहीं है हमारे से ज़्यादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सच है कि भारत में रहते हुए जिसे हम युद्ध कहते हैं उस ढंग से मैंने कभी युद्ध देखा नहीं और शायद हमने से बहुतों ने भी देखा युद्ध की घटनाओं को दर्ज करना ऐसा मेरा कोई उद्देश्य कभी था भी नहीं और शायद होगा भी नहीं दूसरा आपका सवाल कि हम कोई किसी घटना के बारे में जानते हैं जान पाते हैं जब तो उसको हम क्यों लिखते हैं ये सच है कि इसको लिखने का लिखने के अलावा वहाँ पर और कोई मेरे पास चारा नहीं था कोई और रास्ता नहीं था दैट आई कुड एक्सप्रेस माय इनर फीलिंग्स और आई कुड कन्वे लेकिन ऐसा था कि जब हम लोग वहाँ पर पढ़ा जब मैं वहाँ पर पढ़ा रही थी तो वहाँ से वहाँ का समय और भारत का समय आपस में लगभग 4 घंटे का वहाँ पर अंतर था तो जब मैं वहाँ पर शाम के 8 बजते थे तब तक यहाँ रात के 12 बज जाते थे और 12 बजे भारत में किसी को जगा करके और उसे यहाँ वहाँ की कहानियाँ सुनाना तो ये बड़ी ही अजीब बात थी और किससे क्या कहा जाए कि हम क्या हम यहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं देखिए महसूस करने का एक बिंदु होता है वहाँ पर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन इतनी ही क्लासेस होती थी बाकी समय हमारे पास खाली होता है
उस खाली समय में मैंने सिमोन दो बोवार को ट्रांसलेट करना हिंदी में लाने की कोशिश की। सिमोन दो बोवार की किताबों को मैंने लगातार पढ़ना शुरू किया, पर इस पढ़ने के दौरान ही बाकी समय में जैसे जैसे मैं लोगों से मिली, खास करके औरतों से, और खास करके जो जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रही थी उनमें से बहुत ऐसे थे जो कि जिनकी माएँ रेप विक्टिम्स थी और वो टूटे हुए परिवारों और भग्न हृदय और क्या लीजिए अनिच्छित संतानें, अनिच्छित संबंधों की संतानें थी, और वो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे और मुझे उनको पढ़ाना था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के साथ बात करते करते उन्होंने जब बताया कि वो ऐसे परिवारों से आते हैं जिसे परिवार कहा ही न जाए, माँ कभी कभी नाराज होती है तो सबसे पहले अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मतलब तुम्हें देख के ही मुझे कुछ याद आता है और वो कुछ ऐसा होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और ये वो बिंदु था जहाँ पर कि मैंने औरतों से बात करनी शुरू की और मुझे ये लगा कि इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। जब हम भारत से पश्चिम की ओर देखते हैं, भारत से यूरोप की ओर देखते हैं, वो हमारा देखने का नजरिया बड़ा ही आदर्शवादी होता है। हमें लगता है अंग्रेजी फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति मानसिक तौर पर बौद्धिक तौर पर भी हमसे श्रेष्ठ होगा, और हम भारतीयों में एक जन्मजात हीन भावना होती है अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपने राष्ट्र को लेकर के, और हमें हम अपने परिवारों के बच्चों को और उनको ज्यादा पैसा देने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा किसी भी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा भले लंदन चला जाए भले कहीं जाकर के फॉरेन की डिग्री ले आए, और सबसे पहले यही हम मेंशन करते हैं अपने परिचय में कि हम हमारा बच्चा कहाँ कहाँ से विदेशी डिग्री लेकर के आया। वहां जाने के पहले जब ICCR भेज रहा था तो मुझे कई लोगों ने शुभकामनाएं दी कि अरे आप तो यूरोप जा रहे हैं बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा जैसे कि स्वर्ग की सीढ़ी अब मेरे आगे खुल रही है और एकदम स्वर्ग की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन वहां जाने पर यह पता चला कि मेरे एक सीनियर थे, उनकी पोस्टिंग जब हम लोग MA में पढ़ रहे थे उनकी पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग रेड लाइट एरिया में हुई थी, हिंदू कॉलेज के थे, तो हम कई जूनियर्स को उन्होंने कहा कि रेड लाइट एरिया के बारे में जानते हो, तो हम लोगों ने कहा था कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग वहां पर हुई है और मुझे इतनी उबकाई आती है जब मैं वहां पर जाता हूँ तो कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जो जीवन हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा इस तरह के वर्ग से परिचय सिर्फ इतना ही था जितना परिचय यूरोप में जाकर के मेरा मनुष्य से हुआ, उतना परिचय शायद भारत में भी नहीं था। इस बीच में एक बात आपको फैक्ट्स करता हूँ कि जो डॉक्टर गरिमा हैज जस्ट मेंशन दैट वी लुक एट द यूरोप समथिंग वेरी सुपीरियर और एग्जॉल्टेड इन द स्टडीज एक्सेट्रा। रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी अबाउट 2-3 इयर्स बैक डन बाय द EU एंड देयर वर फैक्ट व्हिच केम अप इज शॉकिंग टू एवरीवन दैट एवरी सिक्स्थ वुमन इन यूरोपियन यूनियन had gone through some kind of sexual assault before reaching age of 15, जो बहुत से मुल्कों में नहीं था। तो जो आप ये कह रही हैं कि जो आपका पहला परिचय हुआ कि वहाँ पर कितनी एट्रोसिटीज हो सकती हैं औरतों के साथ, वो आप हिंदुस्तान में भी नहीं सोच सकते। पेरिस में, पेरिस जैसे बड़े शहर में आंकड़े बताते हैं कि हर 9 मिनट पर एक औरत का बलात्कार होता है और उसमें से 10 में से एक बलात्कार ही सिर्फ पुलिस तक रिपोर्ट होता है। डोमेस्टिक वायलेंस की तो कोई सीमा ही नहीं। तो हमारे मुझे ऐसा लगा, इससे पहले हमेशा एक एशियाई होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और हम लोग जिस समाज के अंग हैं वो बहुत, हमने जैसे ही कोरी चमड़ी देखी और कोई भी विदेशी भाषा बोलने वाला व्यक्ति देखा तो हमें ये लगने लगता है कि हम हीन हैं। दरअसल हम नहीं, हमें जरूरत है थोड़ा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि नजदीक से जो चीजें साफ नहीं नजर आती थोड़ी सी दूर से साफ नजर आती,
हमें जरूरत है थोड़ी सी दूरी से अपने देश को देखने की और ये मौका वहीं पर मिलता है। लेकिन ये बड़ा ही मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि जब मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया तो मैंने पाया कि ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले और बहुत साफ सुथरे दिखने वाले लोग, वे लोग गरीबी के मारे हो गए। बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रतिशत वहां पर है, और बेरोजगारी ही नहीं बल्कि ये जिस दौर में मैं गई थी 2009 से 2011, वो इस दौर में यूरोप, पूरा यूरोप महामंदी के दौर से गुजर रहा था। इस महामंदी में वे लोग भारत की तरफ नौकरियों के लिए देख रहे थे। उन लोगों को ये बात, ये सवाल किसी के मन में भी आ सकता है कि उनकी क्या रुचि थी मुझसे बात करने में। दरअसल जो भारतीय विदेश मंत्रालय जो हमें तनख्वाह देता है वो बहुत अधिक थी, और वो इतनी अधिक थी कि मुझे लगा कि इसका उपयोग, इसका जो, अगर मैं किसी महिला से बात करती थी तो वो किसी काम के लिए दौड़ रही होती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो भारतीय मुद्रा में 500 रुपए, वहां की मुद्रा में 50 गुना उसके लिए वो दौड़ रही है। जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो क्लास छोड़ करके जल्दी से मैकडोनल्ड्स की तरफ दौड़ते थे क्योंकि उन्हें वहां पर बर्तन धोने होते थे, वहां पर पैसे कमाने होते थे, और उनको मैंने पूछा कितना मिलता है तो 25 गुना मतलब 250 रुपए। और वहां पर उनको पीने के लिए पानी भी नहीं और टिफिन भी नहीं, कुछ नहीं मिलता था। ये बच्चे भूखे वहां पर काम करते थे और लौटते थे, वो 25 गुना वो जमा करते थे और तब वो अपनी फीस देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी तनख्वाह का एक भाग इन बच्चों को और इन औरतों को दूं तो कैसा रहे। लेकिन उनमें स्वाभिमान भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वो आपको लूटते हैं या ऐसा कुछ। जब मैंने बात करना शुरू किया, मसलन जो मेरे अकोमोडेशन में जो सफाई करने वाली एक औरत आती थी और वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब बोलती थी, जैसे ही मैंने उससे उसके बारे में पूछा उसने ऐसा जतलाया जैसे कि वो मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं रही। और जब मैंने उसको समझाया और 100 गुना का एक नोट दिया तो उसको मेरी सारी बातें समझ में तुरंत आने लगी और उसने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए और बताया कि कैसे उसके साथ की बहुत सारी औरतों को सन 1995 से लेकर के 1992 से 1995 के बीच में जो रेप कैंप्स बनाए सर्बियन आर्मी ने, उन सर्बियन आर्मी ने उन रेप कैंप्स में औरतों के बहुत सारे अलग अलग वर्ग बना दिए औरतों को पकड़ करके, जैसे कम उम्र की औरतें, लड़कियां, फिर उससे ज़्यादा उम्र की, उससे ज़्यादा उम्र की, और जो औरतें थोड़ा सा भी विरोध करती थी उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे और उन्हें लोहे की रॉड्स लगी हुई है खिड़की पर और वहां से उनको रोटी फेंकी जाती थी, वहां से रोटी फेंकते थे, वहां से उनको अपने दांतों से वो रोटी कैच करनी होती थी। औरतें पागल होकर के मर गई, जिन औरतों ने विरोध किया, चिल्लाई, उनकी जीभ काट ली गई। अक्सर औरतों के जेनिटल्स जो थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, वो इन्फेक्शन से मर गई। लोगों के, औरतों के ब्रेस्ट कटे हुए हैं। इस समय जो औरतें 50-55 साल की उम्र की हैं उनमें से बहुत सारी औरतें दे डोंट हैव ब्रेस्ट। वो लोग जो कि रेप कैंप्स में रही उनकी ये स्थिति है, और वो सारी की सारी नकली पैडेड ब्रास पहनती हैं और वो किसी को, वो एक औरत जानती है कि दूसरी के साथ क्या गुस्सा, लेकिन वो लोग आपस में मुझे नहीं पता वो इस मुद्दे पर कितनी बात करते हैं, शायद नहीं करते। शायद हमारा देश होता तो आपस में सिर जोड़ करके वे बातें जरूर करते, लेकिन ऐसा मैंने उनमें कम्युनिकेशन नहीं देखा। एक बात जो बहुत ही मार्के की थी, जो अब मैं सोचती हूँ उस समय मुझे नहीं समझ में आई थी, वो ये कि अपने दुख में ही डूबे रहने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस दुख से बाहर निकल करके आगे बढ़ना और एक नव निर्माण का सपना देखना। जैसे अभी अलका जी ने कहा कि भारत में भी जो रेप का शिकार होती है या जो स्त्रियां देह व्यापार में, देह श्रमिक होती हैं, देह व्यापार में लगी होती हैं, वो तमाम ग्राहक निपटाने के बाद
अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, जूठे बर्तन मांजती हैं, उसके बाद दुखते हुए शरीर के साथ वो उनको बिस्तर नसीब होता है। तो ये स्थिति इन औरतों की भी रही, क्योंकि एक औरत के बारे में मुझे पता चला, जिसकी कहानी मुझे पता चली कि वो कई सालों से बहुत गहरे इन्फेक्शन का शिकार है और वो बहुत ज़्यादा दिन तक जिएगी नहीं। लगातार उसका स्वयंसेवी संस्थाएं उसका इलाज करा रही है और वो जिएगी नहीं। उसका कारण ये था कि उसके साथ जब सर्बियन आर्मी ने रेप किया तो वो जंगल में भाग गई, उसको ट्रक में डाल करके ले जा रहे थे, उस समय वो जंगल में कूद गई और जंगल में भाग गई। महीना भर वो जंगल में ही रही, जंगल में न कोई खाना था न पानी था, पत्तों के ऊपर की जो ओस थी उसको चाट करके वो जिंदा रही। जंगल में भागते भागते उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये सोचा कि अगर उसके पति को पता चल गया, उसकी माँ को पता चल गया कि वो ऐसे इस स्थिति में, तो क्या होगा। उसने पेड़ की टहनी ले करके और अबॉर्शन करने की खुद ही कोशिश की। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन आ गया, जो इन्फेक्शन इतना भी तेज नहीं था कि वो मर सके और इतना भी धीमा नहीं था कि वो जी सके। तो ऐसे विक्टिम्स हमें मिलते हैं और जिसके बारे में मीडिया चुप है, जिसके बारे में अखबार चुप है और जिसके बारे में हम लोग अपनी सीमाओं में इसलिए नहीं जान पाते, क्योंकि इसमें जरा सा जैसे उन्होंने बताया कि 1% रिपोर्टिंग होती है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो स्टैटिस्टिक्स है वो जो है आपने तो वो बताते हैं कि 95.6% तक केसेस पुलिस तक पहुंचते हैं, उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। और जो आपने बताया बोस्नियन आर्मी के, सॉरी सर्बियन आर्मी के बारे में, एक छोटा सा मैं आपको वाक्यात बताऊँ फिर ये आगे बताएंगे, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए कि ये सर्बिया का चक्कर क्या था। जबकि यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन चालू होना हुआ, सिविल वॉर 1989 के एंड में 90s में चालू हो गया कि यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट होना चालू होगा, उस समय जो वॉर की स्क्रिप्ट थी वो सर्बियंस ने लिख ली थी, उन्होंने तय कर लिया था, और जितने भी जो बाल्कन रिपब्लिक्स थे सब देख रहे थे कि ये होगा। उन्होंने बोस्नियन औरतों के संग, क्रोएशियन औरतों के संग जो क्राइम किए हैं वो इतिहास में कभी भी दोहराए नहीं जा सकते, ना हुए थे। और उनका सिर्फ एक पर्पस था कि हमें इस लैंड की डेमोग्राफिक रेशियो बताना है और एक जो रेस एग्जिस्ट कर रही है क्रोएशियन से बोस्नियन, इसको खत्म करके इसको सर्वे और उसके पीछे कितना क्राइम किया जो ये बता रहे हैं, ये सही बात नहीं है। और इस पर जो बता रही है मीडिया चुप रहा, इंटरनेशनल एजेंसीज चुप रही, जब तक ये मैंने खुद मिली हुई हूँ बोस्नियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से, उन्होंने बताया कि जब सर्बियंस चले गए थे छोड़ के उनके शहरों को क्रोएशिया में भी, तो बहुत सारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, एंड व्हेन दे रीच्ड टू देयर विलेजेस दे फाउंड चिल्ड्रन लिटिल बेबीज इन सीमेंट मिक्सर्स। मतलब क्रुएल्टी की ये हद तक पहुँच गई थी कि वो बच्चों को सीमेंट मिक्सर्स में डाल करके खूब मार देते थे। ये सब रिपोर्टेड है लेकिन कोई ना इस पर कभी किसी ने कभी भी कोई ना लिखने की कोशिश करी है। तो गरिमा जी ने जो कोशिश करी है कम से कम जो उनके संग हुआ है औरतों के साथ, और वो बात करने का तैयार हुई है, जो इतना अच्छा एफर्ट किया कि अपनी सेविंग्स उन्होंने उनको एक तरह से छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट दिया, अर्निंग दी, ताकि वो आपसे कुछ शेयर कर सके। क्योंकि मुद्दा अल्टीमेटली यही आता है बाद में कि जो दे है यही आपको सब कुछ दे रहा है, अगर इसी से कमाना है कोई रास्ता और नहीं है। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप उन औरतों से बात करती थी वो अपनी सोसाइटी के बारे में क्या सोचती, जो उनके लीडर्स थे, पॉलिटिकल सिस्टम था जिनको वो, क्योंकि यूगोस्लाव में सब भाई बहन जो थे पहले, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड कर चुके थे और बिफोर नेशंस क्रिएटेड यूगोस्लाव में, वो अपने नेबर्स में जो भाई बहन के बारे में क्या सोचते, क्या उनकी फीलिंग क्या आती थी। जब यूगोस्लाविया का विखंडन हुआ उससे पहले तो उन लोगों का अंदाज़ा नहीं था कि बोस्निया में रहने वाले
मुसलमानों को एकदम पराया कर दिया जाए। बोस्निया में खास करके बोस्नियन महिलाओं में साक्षरता की दर बहुत कम थी, कम है भी, और बिल्कुल साधारण वो औरत थी। एक औरत जिसे मैं मिली, उसने कहा कि उसकी बेटी की हत्या हो चुकी थी और उसकी बेटी का बलात्कार हुआ और उसकी बेटी को 16 या 16.5 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका कहना था कि मेरी बेटी कभी गांव के बाहर ही नहीं निकली, गांव में अपने मवेशी और गांव में ही शादियां हो जाती हैं और गांव में ही बस आ जाती है जहां से वो हेल्थ सेंटर पहुंच जाती है, लेकिन इन गांव में रहने वाली औरतें जो आदमी थे, मतलब जो पुरुष थे, वो तो जब सर्बियन आर्मी ने उन पर आक्रमण किया और पुरुषों को बंधक बना करके ले गए और कैदी शिविरों में रख दिया, उसमें से कुछ जंगलों में भाग गए, कुछ कैदी शिविरों में पकड़े गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया और उनके साथ भी तमाम तरह की बातें हुई कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पोर्नोग्राफी बनाई जाती है और वो बनाने के काम में 16 साल 18 साल के लड़के काम में आए और इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों को ये दिखाया गया कि ये जातियां किस तरह से कह लीजिए कि अनैसर्गिक अननेचुरल रिलेशंस रखती हैं, अननेचुरल कृत्य करती हैं, इसलिए ये पिछड़ी हुई है और उनके वीडियोस छोटे छोटे बना करके वो मीडिया को दे दिए गए कि देखिए हमने, देखिए बात ये है कि जो प्रेसिडेंट जो था वहाँ का मिलोसेविच, स्लोबोदान मिलोसेविच, स्लोबोदान मिलोसेविच ने ये बताया कि पूरे सर्बिया को एक स्वच्छ बृहत्तर सर्बिया बना दिया जाए, एक स्वच्छ प्रांत घोषित कर दिया जाए जिस स्वच्छ प्रांत में न क्रोएशियन रहे और न बोस्नियन रहे। इसके लिए, इस स्वच्छ प्रांत को करने के लिए सिर्फ लोगों को मारना जरूरी नहीं था, कैदी बनाना जरूरी नहीं था, बल्कि आगे की कई पीढ़ियों को सर्बियन बनाया जाना जरूरी था। स्त्रियों से बलात्कार करना ये उनकी पूरी एक रणनीति का सोचा समझा हिस्सा था। बलात्कार को इस रूप में लिया गया कि वे जो सैनिक लड़ रहा है, जो सैनिक कैदियों की देखभाल कर रहा है, उसको पुरस्कार दिया जाए, उसको ये कहा जाए कि आज तुम्हारे लिए औरतों की एक नई खेप आई है और तुम लोग औरतों पर पिल पड़ो। शाम ढले, बाथरूम्स में कॉमन जो टॉयलेट्स होते थे उसमें औरतें भेड़ बकरियों की तरह से भर दी जाती थी और सैनिकों को खुली छूट दे दी जाती थी कि आप इनका बलात्कार करें। दूसरी बात, बलात्कार ही नहीं बल्कि ऐसी औरतों को बिल्कुल अलग कर दिया गया, ग्रुप्स बना दिए गए इन यातना शिविरों में। 400 से अधिक यातना शिविर बोस्निया और क्रोएशिया में बनाए गए। ये यातना शिविर स्कूल्स थे, जिम्नेजियम्स थे और इस तरह के जितने भी कॉमन हो सकते वो वहां उनको यातना शिविर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कन्वर्ट करने के बाद उनको और लड़कियों को वहां पर हाथ बांध दिए गए, कपड़े उतार दिए गए और सैनिकों को कहा गया कि आप इनसे मनमर्जी कर सकते हैं। जो सैनिक नहीं करता था उसको सजा मिलती थी। इसलिए एक औरत जो कि मानसिक रोग का शिकार हो गई, उसके पति ने बताया कि ये औरत हर रात जब भी मैं सो जाता हूँ मुझ पर हमला करती है, मेरी पत्नी मुझ पर हमला करती है क्योंकि ये मानसिक रोग का शिकार हो गई है, इसके साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार के बाद इसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। वो बच्चे इसके साथ नहीं रहते लेकिन वो जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए और वो बलात्कार जो इसके साथ हुआ, 20 सर्बियन लोगों ने एक साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना वो कभी भी अपने जीवन में भुला नहीं सकती। जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था, गरिमा जी ने बताया कि ये जो वॉर लिखी जाती है ये उसका हिस्सा होता है। ये औरतों की जो, इसको हम रेप कहते हैं, वो एक रोमन वर्ड है, बिल्कुल रोमन वर्ड है जो उनके लॉ में इसका नाम आया हुआ है।
तो ये बता रहे हैं कि जो बोस्नियन और क्रोएशियन रेस को वहाँ से हटाना था, तो ये एक्सटेंडेड सर्बिया नेशन बने। आप ये सोचिए कि जो कंट्रीज ह्यूमन राइट्स के नाम पे चैंपियंस बने हुए थे, उनके इतने सब तमाशा देख रहे थे, जितने भी कंट्रीज जुड़े हुए थे सब तमाशा देख रहे थे, और किसी ने भी कभी कुछ बोला नहीं कि यहाँ पे क्या। इनफैक्ट जो आवाज़ें उठना चालू हुई थी वो शुरू हुई थी मिडल ईस्ट से, लैटिन अमेरिका से, और फिर बाद में कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गए। जब ये बता रही हैं जो वीडियो वायरल होने लग गए थे, वो सिर्फ यही बताने की कोशिश थी कि देखो कितने ये अडल्ट्रेटेड माइंड के लोग, कितने इनकी गंदी सोच है, और वो प्योर प्रोपेगेंडा जब सामने आने लगा तब कुछ एक तो जो जर्नलिस्ट थे उधर से नॉर्डिक कंट्री से थे, उन्होंने कुछ इस पर ज़रा सा लिखना चालू किया, तो ज़रा सी ये बात आ गई। वरना जितने भी ये जो पेरिस है ह्यूमन राइट्स चैंपियन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं खुद पढ़ने भी गई थी, मुझे वहाँ पर भी उनके मजिस्ट्रेट मिले थे, उससे हमसे महीना को बताया उन्होंने क्या क्या किस्से होते थे वहाँ पर, कोई नहीं कुछ बोला, सब चुप थे, क्योंकि यूरोप को ये सूट नहीं करता था। आज भी शायद अब तो खैर सीन बदल गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने क्रिटिसिज्म हुई थी, तो कोई नहीं चाहते थे कि यूरोप की बाउंड्रीज में बोस्नियन रेस या क्रोएशियन रेस रहे, और किसी हद तक बदलने में कामयाब हो गए, किसी हद तक उनकी रेस बदल गई है। लेकिन एक मेरा और भी सोचना है कि कभी भी कोई रेस ख़त्म नहीं होती है, कभी भी नहीं ख़त्म होती है। हमारे सामने एग्जाम्पल से मिडल ईस्ट में सब ने सोचा था कि इसराइलों को मार दिया खत्म हो गया, जो इसमें आदमी भी हमारे सामने कोई रेस कभी ख़त्म नहीं होती, उसके वंश कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, ऐसे कि आने वाली पीढ़ी में उसको आगे बढ़ ही देते। इसलिए इन दिनों मतलब मैंने जो देखा वहाँ पर कि लोगों में क्रोएशियंस जो हैं वो परिवार नियोजन नहीं करते, अब परिवार नियोजन नहीं करते, औसत क्रोएशियन के घर में दो से अधिक बच्चे हैं, तीन हैं, चार हैं, इतने बच्चे हैं, और सरकार की तरफ से काफ़ी सारा उनको काफ़ी सारी फंडिंग भी मिलती है। लेकिन जहाँ तक रहा मीडिया का सवाल और जहाँ तक रहा मीडिया में रिपोर्टिंग का सवाल, ये सारी चीज़ें जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी तो बोस्निया की सरकार जैसे रिपोर्ट की कि वस्तुतः 50,000 से अधिक, पूरे बोस्निया में 50,000 से अधिक रेप हुए, जिसमें से लगभग 30,000 रेप केसेस की रिपोर्टिंग हुई। रिपोर्टिंग होने का मतलब कि शिकायत हुई। खैर, इस पर हम आज बता सकते हैं कि उन शिकायतों का क्या होगा, लेकिन अमेरिकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, एनजीओस थी, उनका एक गजब का रुझान देखने को मिला। एनोलोए वॉन्स और ये इस तरह की जो स्त्रीवादिनियां थी, ये बिल्कुल इन मौकों पर पहुंची और इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स का कह लीजिए कि पक्ष लेते हुए वहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने तैयार की। और ख़ास तौर पर ये अमेरिकी जो स्वयंसेवी संस्थाओं की रिपोर्ट थी, ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स थी। इन रिपोर्ट्स का ये मानना था कि पहली बात तो उन्होंने ये मानी कि जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ ये एक अलिखित नियम होता है कि वहाँ तो बलात्कार होगा ही, तो ये ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि सर्बिया और क्रोएशिया में झड़पें हुई, संघर्ष हुए और वहाँ पर बलात्कार हो गए औरतों के, तो ये कोई बहुत अनोखी सी बात नहीं है। दूसरी जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो ये कि उस लगभग सब मिला करके पूरे बोस्निया में 20,000 के लगभग रेप हुए हैं, और ये 20,000 जितने भी रेप हुए हैं वो रिपोर्ट उनकी की गई है। तीसरी जो इनकी फाइंडिंग्स थी वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी, अमेरिकी स्त्रीवादियों की जो फाइंडिंग्स थी वो ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि दरअसल जब सर्बियन आर्मी बोस्निया में आई और उन्होंने बोस्नियंस के घरों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, और जो पहले जो सर्बियन पड़ोसी था वही रेपिस्ट बन करके आ गया, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो बोस्नियंस जो मर्द थे वो अपनी औरतों को छोड़कर के अपनी जान बचा के खेतों में और खेतों से जंगलों की तरफ पहाड़ों में भाग गए। जंगल और पहाड़ में भागने के बाद ये जो औरतें थी अपने छोटे छोटे बच्चों, पशुओं,
खेती और घर के मोह के कारण वो अपना घर छोड़ करके भाग नहीं सके, और जब वो भाग नहीं सकी तो उन्होंने सर्बियन जो आर्मी थी, जो बड़ी सुंदर और स्वस्थ थी, लंबे चौड़े तगड़े पुरुष थे उस आर्मी में, उनकी तरफ अपने आप को युद्धकाल में प्रेम उनके प्रति अनुभव किया, आकर्षण अनुभव किया और उनके साथ शारीरिक संपर्क अपनी इच्छा से बनाया। ये उनकी रिपोर्ट थी, यानी कि और ये रिपोर्ट देने वाली ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ पुरुष थे और वो स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से आए थे, बल्कि ये रिपोर्ट्स ये बहुत ही सोची समझे रणनीति के तहत पूरे अमेरिका ने अपनी भूमिका इन जगहों पर इस रूप में प्रस्तुत की, ताकि बाकी संसार जो है उसको जो रिपोर्ट्स मिले वो रिपोर्ट्स इतनी भ्रामक और इतनी मिथ्या हो कि जिसमें इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो कि लोग उस पर विश्वास ही न करें, लोग उसको पढ़े ही ना। शायद एक वजह यही रही होगी कि एशिया तक वो रिपोर्ट्स आते आते हम लोगों ने उन रिपोर्ट्स को बहुत आसानी से बहुत सहज रूप में लिया कि हाँ वहाँ युद्ध और झड़पें हो रही हैं और वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से जातीय नरसंहार था, जातीय नस्लवादी नरसंहार था, जहाँ पर कि मनुष्य को की मनुष्यता को शर्मसार करके और स्त्रियों के गर्भ पर सोची समझी रणनीति के तहत स्त्रियों के गुट बांध दिए गए। जो स्त्रियां पहले से गर्भवती थी उनको उनकी कोख खाली करवा दी गई, और जब किसी यातना शिविर में उन स्त्रियों का बलात्कार किया जाता था और उसके बाद वो औरत गर्भवती हो जाती थी, वो लोग सारे सैनिक मिलकर के रात भर जश्न मनाते थे। ये इस बात को बताता है कि वो लोग अपनी जो नस्ल थी उस नस्ल के को आगे बढ़ाने के लिए कितने ज्यादा बेचैन थे, कितने ज्यादा वो तत्पर थे। जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि ये काम, मैं तो उस हिसाब से बता रही हूँ जिस हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं सामने से चीजें आती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, होता है ऐसा कि एक कोई भी कहीं पे अगर कोई जैसे केस ऑफ व्यवस्था ले लीजिए या जो भी सजेशन मिला था उसको ले लीजिए, उसकी जो रणनीति कहीं और तय कर दी जाती है, कहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर प्लेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये प्लेयर्स होंगे, ये खेल तमाशा यहाँ पे करना है। पर जो यूगोस्लाविया में जो हुआ इसकी रणनीति बहुत पहले तय कर दी गई थी, उसमें नेटो के सारे मेंबर्स शामिल हुए, अमेरिका के पूरे बेस वहाँ थे, उन्हें वो बोस्निया और क्रोएशियन रेस को वहाँ से एलिमिनेट करना था, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसीलिए जो बता रहे हैं कि जो एनजीओज होती है वो तब आते हैं जब सब काम हो चुका होता है, उससे पहले कोई नहीं। सब जैसे होता है ना कि सब क्राइम जब होता है पुलिस क्राइम के बाद पहुंचती है, एनजीओज क्राइम के बाद पहुंचती है। स्पॉन्सर्ड एनजीओज, स्पॉन्सर्ड नॉट ऑल एनजीओज, स्पॉन्सर्ड एनजीओज गवर्नमेंट एनजीओज होती है वो हमेशा क्राइम खत्म होने के बाद आती है। लेकिन एक बात और भी सच है कि जो हिस्ट्री लिखता है, जो डॉक्यूमेंटेशन करता है, हमेशा एनालिसिस करता है। विक्टिम्स कभी कुछ लिख ही नहीं पाता कि अपनी तरफ की बात की उसको क्या उस परस्पेक्टिव उस परिपेक्ष में जो डॉक्टर साहब जैसे जो लोग हैं जो कुछ लिख पाते हैं बता पाते हैं, हमें उसकी बहुत बहुत अप्रिसिएशन करना चाहिए कि हमें कभी दूसरा हिस्सा सुनने का मौका ही नहीं मिला। हमें तो वही सुना जो इंटरनेशनल प्रेस बताता था या इंटरनेशनल सो कॉल्ड एनजीओज बताती थी या गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग्स आती थी। जो विक्टिम्स का जो वो है पक्ष वो बहुत मुश्किल से सामने आता है, इसे कोई भी एफर्ट जो उस पक्ष को लाने में सामने ला सकता है, वी शुड टेक इट सो सीरियसली, उसको पढ़ें समझें उसकी क्या पॉलिटिक्स थी, और उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो भी हम करें। इसमें सबसे अच्छा है कि मैं जाकर किताब पढ़ सकता हूँ, किताब है देखिए मैं भी खुद पढ़ पाई मैं जस्ट फ्लिप थ्रू, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इट हैज़ टू बी डिस्कस अंडरस्टूड कि रेप सिर्फ एक रेप नहीं है कि आपने कपड़ा रेप कर, उसके पीछे इतने वजूहत होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है राइटिंग इज अ वॉर क्राइम, इज अ रिवेंज। आप अगर हमारे हिंदुस्तान में देखिए, मैं इस टॉपिक को डायवर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट आपने लिया है, हमारे जो ज़्यादातर जो आते हैं जो रेप के केसेस आते हैं वहाँ पे वो दलितों के ठाकुरों में आपस रंजिश होती है, रंजिश हमेशा रंजिश के केसेस आएंगे। बहुत सर्दम ऐसा होता है कि रात में रेप की जारी से पकड़ गया, वो बड़े कम केसेस होते हैं। ऐसे अभी जितने जो नाव का केस है देखिए रिवेंज है, वो उनको
بدلنا ہے کہ دلت کی بدلنا ہے کہاں سے. تو اسی میں ہی اگر آپ یہ کون بات یہ بتائیں کہ جب یہ سب ہو گیا, جب ان عورتوں سے آپ ملتی ہیں, جب ملی تھیں آپ, کبھی آپ کے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں آدمیوں کا کبھی پرسپیکٹو سامنے آتا ہی نہیں, ہمارے ملک میں نہیں آتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ گھر سے نکال دو, یہ بلیک شیپ ہے, کوئی شادی نہیں کرے گا. تو ویسے فارورڈ آتے ہی کہیں کہ میں ریپ وکٹم سے شادی کروں گا. میں تو کبھی بہت سنا نہیں, شاید میرے دماغ میں تو آتا ہے, فلموں میں دیکھا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں ریپ وکٹم سے شادی کروں گا, پر ریئلٹی میں شاید بہت کم ہو گیا ایسا چل چکا ہے کہ میں ریپ وکٹم سے شادی کروں گا. وہاں پہ کیا کبھی آپ کسی آدمی سے بات ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بھارت میں ریپ ایک ٹیبو ہے, کہ اگر ریپ ہی کیوں, ایو ٹیزنگ تک ایک ٹیبو ہے. اگر ایک لڑکی گھر جا کر کے بتاتی ہے اپنے پتا کو یا ماں کو یا بھائی کو کہ بھائی اس کے ساتھ روز چھیڑخانی ہوتی ہے, تو لوگ اس کو معلوم ہے کہ اس کو نہیں بتانا, اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا جائے گا, یا اس کو بہت طرح کے چلو بھائی چھوڑ جائے گا بس اسٹینڈ تک, یا کسی کے ساتھ جاؤ, اس طرح کے اس کو سجیشنس دیے جائیں گے. یعنی کہ جو سوادھینتا ہے اس کو پانے کے لیے اس کو غلامی کی جو شرنکھلائیں اس سے بچ کر کے رہنا پڑے گا, اس لیے اکثر لڑکیاں نہیں بتاتی. وہاں پر جو میری جن لوگوں سے ملاقات ہوئی, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ریپ وکٹم ہیں, تو انہوں نے کہا معلوم ہوگا. میں نے کہا معلوم ہوگا مطلب, کہا کہ جب وہ لوگ واپس آئے یادنا شبروں سے, جو لوگ بچ گئے وہ لوگ آئے, تو ان کو انہوں نے اپنی پتنی کو گربھوتی دیکھا, اور اس دوران وہ نہیں تھے, تو یہ بہت ہی آبویس تھا کہ ان کی جو سنتان ہو ہے وہ کس کی ہے, لیکن اس مدعے پر ان لوگوں نے بات نہیں کی. اور بات ہی نہیں کی, اور کئی استریوں نے آتم ہتیا کر لی, کئی پاریوارک کلہ کا شکار ہوئی, کئی طلاق کا شکار ہوئی, اور کئی استریوں نے یہ بتایا کہ وہ اس طرح سے مانسک روگوں کا شکار ہو گئی کہ وہ اپنے پتیوں سے یا کسی بھی طرح سے وہ کسی بھی طرح کا سمپرک نہیں رکھ پائی, اور ان کے پتی سے وہ دھیرے دھیرے وہ الگ بھی ہو گئی. اور کئی استریاں جو ایسی تھیں انہوں نے وہ جو اچار مربے کا جو وہاں کارخانہ ہے زاگرب میں, زاگرب کے آؤٹ اسکرٹس پر, وہاں پر وہ کام کرتی ہیں, ان میں سے کئی عورتیں ہیں جو کہ بولتی ہی نہیں ہیں, کچھ ہے تو بولتی ہیں تو بولتی ہی چلی جاتی ہیں. کئی طرح کے مانسک روگ ان کو ہوئے, اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے اس کو ٹھیک اسی روپ میں سویکار نہیں کیا, اسی لیے ان کو اس طرح اتنا, کیونکہ پریوار اگر سویکار کر لیتا ہے, پریوار کی طرف سے اگر پوری طرح سے اگر مدد یا سپورٹ ملتی ہے, تو کسی بھی استری کو اس طرح کی گھٹناؤں کو بھولنے میں تو نہیں, لیکن ان گھٹناؤں سے باہر آنے میں مدد ملتی ہے. اور وہ بہت ساری جو وہ یہ گھٹنائیں بھولی کیسے جا سکتی ہیں, کیونکہ سن 2015 میں کروشین پارلیامنٹ نے ایک ادھینیم پارت کیا, اور اس ادھینیم میں یہ کہا کہ جو جن بھی عورتوں کا ریپ ہوا تھا, جن کا شوشن ہوا تھا, ان کو ہم ایک اچھا ایک دھن پرتی ورش دیں گے, اور اس کا بہت بڑے پیمانے پر سواگت ہوا ان عورتوں نے کہا. لیکن پریکٹیکل جو اس کا اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, سن 1995 میں ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اس بات کو سن 2015-16 میں میڈیکل پرمان پتر کے ساتھ پروف کرنا ہوگا. یعنی کہ اس عورت کو اپمان کی ایک پوری پرکریا سے گزرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ 15-20 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لائے گی تب اس کو اتنا دھن ملے گا. اور یہ کئی استریوں نے کہا کہ یہ پیسہ مہتوپورن نہیں ہے, بلکہ یہ مہتوپورن ہے کہ کم سے کم مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا. اور لیکن اس نے یہ ان عورتوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم بدلہ چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ دوشیوں کو سزا ملے. لیکن بہت سارے تو کیسز اس لیے خارج ہو گئے کہ جس میں گواہ نہیں تھے, گواہی تھی نہیں, اور ایک چھوٹا 4 سال کا بچہ گواہی دینے گیا, اور اس سے جب سوال پوچھے جانے لگے تو وہ کانپتا ہوا دھرتی پر گر گیا, کیونکہ
उसके पास गवाही देने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो गवाही एक महत्वपूर्ण चीज है, और जो बहुत बाद में चल करके ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी तरफ से अब के सालों में रेप को युद्ध के दौरान अपराध की श्रेणी में रखा गया। इससे पहले बलात्कार को युद्ध के अपराधों की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता था। तो जब श्रेणी में ही नहीं रखा जाएगा तो उसके खिलाफ कानून क्या होंगे? बहुत कम लोगों को इस पर सजा मिल पाएगी। एक बात और भी है कि जब ज्यादातर मुल्कों में यही नियम कानून है कि आपका रेप जब प्रूफ होगा जब आप गवाह लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि रेप के दौरान गवाह कहाँ से आए। और एक जो औरत जो इतनी एट्रोसिटी से गुजर चुकी है, चाहे वो वॉर क्राइम हो चाहे नॉर्मल रेप है, नॉर्मल तो कहना गलत है, सामाजिक हालात में रेप हुआ है, उससे आप फिर से ये प्रूफ करवाइए कि उसके साथ रेप हुआ था। कौन सी औरत इस दुनिया में होगी जो ये झूठ बोलेगी कि मेरे संग रेप हुआ? आप लाखों में एक या दो निकाल लेंगे केसेस जिसमें ये होगा कि किसी पॉलिटिकल या सोशल गेम के लिए या किसी प्रेशर में कोई आदमी कह रहे हैं, पर 99.99% केसेस में नो वुमन विल एवर से कि मेरे संग रेप हुआ था और रेप नहीं हुआ था। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं श्रीवास्तव जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके सहने भी है। मेरे संग तो बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैं कई बार ब्रेक डाउन करती थी, लोग कहानियाँ सोचते थे, अभी घर आके सोचते थे कि वो कहाँ से लिखना शुरू करें, और कई बार लिखा ही नहीं जाता था। मतलब लगता था कि किसी की इतनी प्राइवेट जिंदगी कितना पब्लिक आप कर सकते, चाहे उन्हें कंसेंट दिया हो आपको ना दिया हो। तो एक ये तो एक जहाँ दूसरी बात उन्होंने ये बताया, मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव से परसों बातचीत करी थी, कल रात में हम काफ़ी लंबी चौड़ी दो घंटे टेलीफोन पर बातचीत भी करी। ये अपना साइनिंग पूरा ही नहीं कर पाए थे, जो उसका इम्पैक्ट था, जो इन्होंने लोगों से उनकी स्टोरी सुनी, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी। उस वक्त तो शायद नहीं था, उस वक्त शायद आप सिंपली कोई डायरी है, ये किताब जो इनके मेमोर्स है, ये कोई वो नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी डायरी को इसमें नोट किया है। तो शी कुड नॉट फिनिश हर असाइनमेंट विच वॉज मेंट फॉर टू ईयर्स मिनिमम टू ईयर्स, और ये पहले ही चली आई थी क्योंकि इनको खुद को लगा कि शायद इससे ज़्यादा ये इसको नहीं मिल पाई। पहली बात दिल की, आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपके मन पे आता है कि आप इस दुनिया को जितना खूब, लेकिन वो तो प्रूफ नहीं हो पा रहा। और उसको एक्चुअली जेस्मिया मुस्नोविच नाम की एक महिला है जिन्होंने कि औरतों से ये कहा कि आप राजनीतिक जीवन में प्रतिनिधित्व संभालिए और फिर से उठिए और जीवन को आनंद के साथ जीने की कोशिश कीजिए। ये जीवन है, दोबारा नहीं मिलेगा, ये अगर आप रो पीट करके गुजार रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं रखा। देखिए ये बात कहनी जितनी आसान है, वो बात मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर स्वीकार करना उतनी मुश्किल है। हम चाहें कि अपनी सारी पुरानी बातें भूल जाइए और आप नए सिरे से जीवन का पुनर्निर्माण कीजिए, तो ऐसा हो नहीं पाए। लेकिन क्षमा निश्चित रूप से, जो व्यक्ति विक्टिम है और विक्टिम और जिसने अपराध किया है, इन दोनों के बीच में ही क्षमा का समीकरण बनना चाहिए और बनता है। तीसरे किसी संस्था को क्षमा देने का या ना देने का कोई अधिकार नहीं। टाइम तो अब इतना ही है और हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन रेप में कोई क्षमा नहीं होती। रेप इज अ क्राइम, इट हैज टू बी। अब वो सरकारें कह दें अपना बचाव में आने के लिए क्षमा कर दें ना, कि रेप में सिर्फ क्राइम है, इसको पनिशमेंट देना चाहिए, हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर मौका रहा तो फिर इस पर दोबारा से बातचीत करेंगे कि इतना मुश्किल सब्जेक्ट और इतनी छोटी सी। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, hope to see you next time.